चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स एंड थियरी हमारी चल रही थी। हम लोगों ने पावर के बारे में बात की। पावर पी इज इक्वल क्या होता है? dW बाई dt। चलो भाई पावर पी इज इक्वल dW बाई dt होता है। हाँ भी होता है। साथ में पावर पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी भी होता है। होता है ना, पावर पी इज इक्वल क्या होता है? एफ डॉट वी भी होता है। मतलब कि मैं पावर पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी कॉस थीटा लिख सकता हूं। बराबर है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है? एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ये भी एफिशिएंसी का एक इक्वेशन है, ध्यान से देख लेना इसको। पावर का यूनिट कौन कौन सा है? एक तो कौन है, वाट है। दूसरा कौन है? जूल पर सेकेंड है, है ना। पावर का एक यूनिट क्या है? वाट। और दूसरा यूनिट जूल पर सेकेंड। ओके। और आपको पता है कि वाट एंड जूल पर सेकेंड का रिलेशन, मतलब आप पावर को वाट भी लिख सकते हो और जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ओके, ये सब तो मामूली सी बातें थी। मुझे जो आज आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज का 21 नंबर का न्यूमेरिकल ध्यान से देखो। एक्सरसाइज का 21 नंबर का न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा उसको। द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। अब आप लोगों को पता है विंडमिल क्या होती है? आपको पता है इतने वड्डे वड्डे ऐसे विंग्स होते होते हैं कि नहीं होते? हाँ, जो मैकेनिकल एनर्जी को, या तो मैं ऐसा बोलूं कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड मिल बोलते हैं। आपने शायद देखा होगा, कभी भी हमारे हाईवेज पे आप जाओगे तो कभी कभी आपको इतने बड़े 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 लंबे लंबे ट्रक के ट्रेलर दिखाई देंगे। हाँ, उसमें वड्डी वड्डी इतनी लंबी विंग होती है, आपने देखी है कभी? ऐसे जो विंग्स है, वो जो विंड मिल की जो विंग्स है, वो ऐसे सर्कुलर घूमती है, तो वो कितना एरिया कवर करती है? ए जितना एरिया कवर करती है, समझ दरिया से। अब सीधी सी बात है, विंग ऐसे घूमी, हाँ, क्या होता है यहाँ पे? विंड मिल ऐसे होती है ना, डिजाइन कर देना। ये सपोज के आपके पास उसका बेस आ गया, फिर उसका एक शाफ्ट होता है और यहाँ पे ऐसे बोलो घूमती है कि नहीं घूमती ऐसे विंडमिल? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जो विंडमिल है, उस ये जो विंडमिल है, मतलब इसकी जो विंग्स है, वो यहाँ पे ए जितना एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है? ए जितना एरिया कवर कर रही है, तो एरिया कवर्ड बाय विंग्स ऑफ विंडमिल, एरिया कवर्ड बाय विंग्स ऑफ विंडमिल कितना है? ए। तो यहां पे, या तो सपोज द एरिया ऑफ द सर्कल स्वेप्ट बाय विंडमिल, एरिया ऑफ सर्कल स्वेप्ट बाय इज ए। ए जितना एरिया उसने कवर किया, बराबर है। और वेलोसिटी ऑफ विंड वी है और डेंसिटी उसकी रो है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है? वी। एंड डेंसिटी ऑफ एयर क्या है? रो है। उसने ऐसा पूछा कि पहला
what is the mass of the air passing through it in time t? जो एयर इसमें से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, ये जो विंडमिल है उसकी ये जो विंग्स है इसके परपेंडिकुलरली जो एयर पास हो रही है उस एयर का मुझे मास ढूंढना है पर यूनिट टाइम टी। समझ दा जान से पर यूनिट टाइम टी, ये जो विंडमिल की जो विंग्स है ऐसे ऐसे जो ऐसे घूम रही है इसके परपेंडिकुलर कितना एयर पास हुआ उस आयर का मुझे मास ढूंढना है। समझता ध्यान से क्या करेंगे, मुझे तो मास ढूंढना है। अब मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड वी है और उसने जो एरिया स्वेप्ट किया है वो कितना है ए। क्या मेरे पास अगर एरिया है और मेरे पास वेलोसिटी है तो क्या मैं वॉल्यूम ढूंढ सकता हूं? हाँ भाई बिल्कुल ढूंढ सकता हूं, क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर मैं लिखना चाहूं v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू v इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विंड हो गया, बराबर है। मुझे क्या मिला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विंड, ओके। कितने टाइम में, टी टाइम में, या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर इन टाइम टी, तो मुझे टी टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस मिला। किसने कवर किया, एयर ने कवर किया। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाता है, अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाता है तो डिस्टेंस इनटू एरिया मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। क्या डिस्टेंस इनटू एरिया मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू सर्कुलर एरिया ए, द वॉल्यूम एयर पासिंग थ्रू सर्कुलर एरिया ए, वॉल्यूम कितना होगा बोलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होता है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है तो एरिया ए हुआ और डिस्टेंस क्या हुआ डी। बट डी क्या है मेरे पास, डी क्या है मेरे पास, वी टी। तो मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आया, ए वी टी। यहां पे दे दो इक्वेशन नंबर वन। मेरे पास अगर वॉल्यूम है और मेरे पास अगर डेंसिटी है तो क्या मुझे मास मिल सकता है, सोचो। अगर मेरे पास वॉल्यूम है और डेंसिटी है तो मुझे मास मिल सकता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मास इज इक्वल टू, डेंसिटी कितना हुआ, डेंसिटी रो है और वॉल्यूम क्या है ए वी टी, तो क्या इतना मास पास होगा हुआ होगा टी टाइम के अंदर। बोलो मुझे मास मिल गया, पहला क्वेश्चन जो मुझे था कि भाई कितना मास पास होता होगा, तो मुझे मास मिल गया रो ए वी टी। हाँ क्या मिला मुझे, मास मिला, ओके चलो ठीक है, मास मुझे मिल गया। अब उसका जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन क्या कहना चाहते हैं ध्यान से देखो, बी सेक्शन ऐसा कहना चाहते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। हाँ भाई ये भी ढूंढ लू भाई, काइनेटिक एनर्जी, कांटे की एनर्जी, कांटे की एनर्जी ऑफ एयर क्या होगी। तो बोलो कांटे की एनर्जी का इक्वेशन क्या है, अरे भाई कांटे की एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। कांटे की एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो सबको पता है कि नहीं पता है,
हाँ भाई बिल्कुल पता है। तो काटे की एनर्जी का इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ पे काटे की एनर्जी के अंदर हाफ एम की जगह पे ये रख सकता हूँ, हाफ रो ए वी टी इंटू वी का स्क्वायर, हाफ रो ए वी टी इंटू वी का स्क्वायर, तो क्या मेरे पास इक्वेशन आएगा, क्या इक्वेशन आएगा बोलो। मेरे पास इक्वेशन आया काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इक्वेशन आया हाफ रो ए टी वी क्यू, ये मेरे पास क्या आया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। बोलो यहां तक सबको पता चला, क्लियर। मैंने पहले क्या किया, वेलोसिटी के ऊपर से डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और मास का वी के साथ स्क्वायर किया, तो मुझे क्या मिला काइनेटिक एनर्जी। अब उसने लास्ट सेशन जो है सी सेशन, उसमें उसने ऐसा पूछा है, सी सेशन में उसने ऐसा पूछा है कि अगर विंडमिल की एफिशिएंसी 25% है, कितनी है विंडमिल की एफिशिएंसी 25% है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, या तो आउटपुट एनर्जी अपन इनपुट एनर्जी। बोलो एफिशिएंसी पता है कि नहीं पता है आपको, पता है। चलो एफिशिएंसी उसने 25% दी है, एफिशिएंसी ऑफ विंडमिल ईटा इज इक्वल टू 25%, मतलब 25/100, मतलब 1/4, ये एफिशिएंसी उसने दी है। ओके तो देखो एफिशिएंसी ऑफ विंडमिल आपको क्या दी है 25%, एरिया दिया है 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, एरिया आपको दिया है 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी आपको दी है 36 मीटर किलोमीटर पर आवर। तो बोलो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आएगा, 18 × 36, तो बोलो वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। साथ में उसने मास दिया हुआ है 1.2 kg, मास दिया है 1.2 kg, तो उसको चाहिए क्या, उसको व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड, ये उसको चाहिए। बोलो क्या करेंगे, आप पहले एक बात समझो, यहां से जो एनर्जी मिलती है इनपुट एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी मिलती है, और आउटपुट में जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है। तो आउटपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इनपुट एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी है। इनपुट एनर्जी क्या है, विंड की काइनेटिक एनर्जी, फिर से बोल रहा हूं, इनपुट एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी है और आउटपुट एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मुझे आउटपुट एनर्जी ढूंढनी है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, एफिशिएंसी मेरे पास 1/4 है, मुझे आउटपुट पावर ढूंढना है। अब पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, तो आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टी अपन इनपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टी लिख सकता हूं। बोलो ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम है, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपन टाइम डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी अपन टाइम, टाइम कट 1/4 टी कट, तो आउटपुट एनर्जी मुझे ढूंढनी है और इनपुट एनर्जी मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 3। इनपुट एनर्जी मेरे पास है कितनी है 1/2 रो ए वी क्यूब टी। बोलो है मेरे पास इनपुट एनर्जी मेरे पास 1/2 रो ए वी क्यूब टी है और आउटपुट एनर्जी मुझे ढूंढनी है, तो आउटपुट एनर्जी
इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब टी डिवाइडेड बाय 4। बस डेंसिटी आपको दी है, बोलो डेंसिटी आपको दी है, एरिया आपको दिया है, वॉल्यूम वेलोसिटी आपको दी है, और ये एनर्जी है। आपको पावर अगर ढूंढना है, क्या ढूंढना है अगर आपको पावर, तो भी देखो आपको यहाँ पे पूछा क्या है आउटपुट पावर। देखो यहाँ पे आप इसे पी से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, उससे अच्छा जाने ही दो इसको, ऐसा कुछ नहीं करते। मुझे आउटपुट पावर पूछा है, तो चलो आउटपुट पावर डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो, इज इक्वल टू ईटा इंटू इनपुट पावर। चलो आउटपुट पावर ईटा 1/4, इनपुट पावर, इनपुट पावर मतलब एनर्जी अपन टाइम, तो इनपुट एनर्जी क्या है 1/2 रो ए वी क्यूब टी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टाइम कट हुआ, तो आउटपुट पावर का आपके पास इक्वेशन आया, ये इजी रहेगा 1/8 रो ए वी क्यूब। क्या आपके पास इक्वेशन 1/8 रो ए वी क्यूब, बात खत्म, बराबर है। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी कितनी दी है, सॉरी ये डेंसिटी है, डेंसिटी आपको दी है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, तो रो दे दिया है, हाँ भाई रो दे दिया है, एरिया दे दिया है और वेलोसिटी दिया है, बात खत्म हो गई, वैल्यू रखो, क्लियर हो गया। मोस्ट टाइम पी इक्वेशन और मोस्ट टाइम पी न्यूमेरिकल, ध्यान से देखो इसको। उसके बाद मतलब कि ये बताता है कि अगर मैं इनपुट विंड एनर्जी इतनी देता हूं और अगर विंड मिल की एफिशिएंसी इतनी है तो मुझे आउटपुट पावर इतना मिलेगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 25% को लेस करके मिलेगा। ओके, तो एक्सरसाइज का ये क्या हुआ 21। फिर सिमिलर एग्जांपल, लेकिन रियल लाइफ, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल और इसके बाद का एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज का जो 22 है वो भी रियल लाइफ एग्जांपल है, जो आप लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या तो फैट फैट कम करने के लिए जब आप लोग जिम में जाते हो और नहीं वो डिचुम डिचुम करते हो, वो सब जब करते हो तब क्या कैलकुलेशन होता है फिजिक्स का, वो यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ एक्सरसाइज का 22, क्या है, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स और 10 किलोग्राम मास 1000 टाइम्स टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। सिंपल क्वेश्चन है, मास ऑफ 10 मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ द वेट है, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आप कितना कंफ्यूज हो जाओगे, मास ऑफ द वेट, क्या ये स्टेटमेंट किसी को पता चला, व्हाट डू मीन बाय मास ऑफ द वेट, मास ऑफ द वेट मतलब वो जो चीज उठाता है ना उसका मास है, वेट का मास नहीं है, मास ऑफ द वेट 10 किलोग्राम है, वो कितनी हाइट पे पहुंचाता है इसको, h इज इक्वल टू 0.5 मीटर हाइट पे वो पहुंचाता है, बराबर है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कितना लिखना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, अब ये कितने टाइम उसको उठाता है, 1000 टाइम, वाह क्या बात, बहुत ध्यान से समझना, मैं 1000 टाइम अर्थ सरफेस की या तो अपने रेफरेंस पॉइंट से 0.5 मीटर की हाइट पे, कितनी 0.5 मीटर की हाइट पे दो बार तीन बार चार बार ऐसे 1000 टाइम्स उठाता हूं, तो मेरे अंदर स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, यू इज इक्वल टू एम जी एच,
एज हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है यू इज इक्वल टू एम जी एच। ऐसा एम जी एच एक बार उठाया एम जी एच, दो बार उठाया एम जी एच, तीन बार उठाया थ्री एम जी एच, चार बार उठाया चार एम जी एच, ऐसे 1000 टाइम्स उसको उठाया। कितनी बार? 1000 टाइम्स। ओके, तो वर्क डन। सी मैंने क्या किया, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरा था, मैंने उसको ऊपर उठाया, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लग रहा है, मैंने उसकी ऑपोजिट क्या किया, वर्क किया। तो यहां पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स यू इज इक्वल टू एम जी एच इंटू एन। 1000 टाइम्स होता है ना, एम कितना है 10, जी कितना ले लो 9.8, एच कितना ले लो 0.5 और ये 1000। और अगर इसको 9.8 ना लेना हो तो आप 10 भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 10 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 इंटू 1000, 0 0 कट हुआ तो ये कितना हुआ 5000 ना कि 50000। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 50000 जूल वर्क किया, 50000 जूल वर्क, 1000 बार उठाया। वैसे हम लोग तो दिन में मतलब एक घंटे में 10-15 हजार बार उठा सकते हैं, ये मामूली सा बंदा था तो उसने 1000 बार उठाया, मतलब उसने 50000 जूल वर्क किया। अब ध्यान से समझना, अपना जो वो तो फैट होता है ना, फैट, वो फैट लॉस कैसे होता है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इतना वर्क करने के लिए अपनी बॉडी में से जो एनर्जी यूज होती है, अपनी बॉडी में से ही एनर्जी यूज होती है कि बाजू वाले की बॉडी में से एनर्जी यूज होती है, हाँ, तो जो उसको उठा रहा है, जैसे कि अभी मेरी एनर्जी देखो जैसे लूज हो रही है, देखा, जो उसको उठा रहा है उसकी एनर्जी लॉस होती है, वो उसकी बॉडी में से एनर्जी लॉस होगी ना। हाँ, वो पेट्रोल पी के थोड़ी बैठा है, उसको बैटरी थोड़ी लगा दी गई है कि वो बैटरी में से एनर्जी लॉस होगी ना रे, उसकी बॉडी में से एनर्जी लॉस होगी और उसका उसकी बॉडी एक वन टाइप ऑफ इंजन है, उसका सिर्फ 20% आउटपुट दे सकती है। कितना आउटपुट दे सकती है 20% ही आउटपुट दे सकती है, उससे ज्यादा आउटपुट दे नहीं सकती, ऐसा बोला है उसने। तो बॉडी जो है उसकी एनर्जी का सिर्फ 20 है ना, हाँ, फैट सप्लाइज 3.8 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ अ 20% एफिशिएंसी रेट। मतलब समझो एक किलोग्राम, समझना ध्यान से, एक किलोग्राम ये समझना पड़ेगा वरना गए काम से। एक किलोग्राम फैट बर्न होती है कितना, एक किलोग्राम फैट बर्न होती है तब वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बोलो। एक किलोग्राम फैट बर्न होती है तब वो 3.8 × 10⁷ जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, 3.8 × 10⁷ जूल एनर्जी मिलती है मुझे। समझ में आ रहा है इसको कि मेरे बॉडी की एक किलोग्राम फैट बर्न हुई, एक किलोग्राम फैट बर्न हुई तब मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी का सिर्फ 20% किसमें कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी। बोलो ये पता चला कि नहीं चला, ये पता चला कि नहीं चला, इस एनर्जी का सिर्फ कितना परसेंटेज कन्वर्ट होता है, 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बोलो यहां तक पता चला,
अब मुझे आप बताओ कि मुझे ये मैकेनिकल वर्क करने के लिए कितना जूल एनर्जी चाहिए? 20,000। हाँ, तो अब देखो इसका तो 20% आ गया, अरे यार 3.8 × 10⁻⁷ जूल का सिर्फ 20% इनपुट एनर्जी आई कि नहीं आई? इनपुट सी इस एनर्जी का सिर्फ 20% ही वो वर्क कन्वर्ट करता है। कितना समझ में आ रहा है? तो इसका 20% कितना होगा बोलो 3.8 × 20 / 100 × 10⁻⁷ कितना होगा बोलो? 38 × 76 × 10⁵ जूल होगा। ये पर केजी मिला, ये क्या मिला? पर केजी मिला ना, इतना एनर्जी का 20% पर केजी मिला, मतलब कि इतने एनर्जी से 1 kg फैट बर्न होता है, तो इतनी एनर्जी से कितना केजी फैट बर्न होगा? तो 76 × 10⁵ जूल से 1 kg फैट बर्न होता है तो 50,000 जूल से कितना केजी फैट बर्न होगा? तो एम इज इक्वल टू 50,000 × 1/76 1, 2, 3, 4, 5 एक दो कट हुए तो कितना है? 5 / 76 = 10 5 × 2 = 10 1/76 कितना आता है? देखो तो आंसर लाओ कितना आता है जल्दी से। पहले तो ये समझे कि नहीं समझे, यहां पे ये समझे कि नहीं समझे कि 1 kg फैट बर्न होने से मुझे इतना जूल एनर्जी मिलती है। हाँ, इतना जूल एनर्जी मिलती है, वो बात सही है, लेकिन इतने जूल एनर्जी का सिर्फ कितना जूल एनर्जी, कितना परसेंटेज एनर्जी यूज हो सकता है? 20%। तो इतने जूल एनर्जी का सिर्फ 20% यूज हो सकता है, तो मैंने इतने जूल एनर्जी का 20% लिया। ये एनर्जी मुझे 1 kg फैट बर्न करने से मिलती है। कितने? 1 kg।